आज ये परसा खदान के बड़ी अदानी कंपनी 3 बजे आती है मशीन लगाए के चे बाजिश मशीन हमन जागन तो भाई कैसे कहाँ से काम आवाज करते ओकर बाद में आउ संगता मल उठाए नेगा उठा दोगा तो उठेन तो देखा थाने बात है कि आधा धूम कटाई करत रहे वो में पुलिस लगे के आउ काटत रहे हमन आयन तो हम कहें भैया हम नहीं काटे देन कैसे तुम कर था पुलिस प्रशासन रोका थे कि नहीं ये काटेगा हम कहें बिल्कुल नहीं काटने देंगे जंगल हम कभी नहीं काटने देंगे इसे करके हम बोलें तो पाछू अपन मशीन उसीन सब गाड़ी में लादिन ओकर बाद में भागिन। जय हिंद जय भारत। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे विभिन्न पॉलिसीज एंड एक्ट्स जो हजदेव रीजन में कोल ब्लॉक्स की परमिशन नहीं देती के होते हुए भी माइनिंग की परमिशन मिल जाती है और कैसे अक्सर आदिवासी के अधिकारों का हनन होता है। आज के वीडियो में हजदेव में माइनिंग को लेकर हुए और हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि हजदेव अरण्य बचाव समिति का जन्म क्यों हुआ और हजदेव को बचाने में उनका कितना योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हजदेव अरण्य रीजन के बायोडायवर्सिटी को ग्रामीणों ने पीढ़ियों से संरक्षित किया है। खनन के दुष्प्रभाव को देखते हुए वहां के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। हजदेव अरण्य क्षेत्र से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित गेवरा शहर में एक ओपन कास्ट माइन कॉम्प्लेक्स है, जिसे भारत और एशिया में सबसे बड़ी ओपन कास्ट खदान के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खदान के रूप में जाना जाता है। गेवरा माइन के आसपास के बुरे कंडीशन को हजदेव के लोगों ने अपने आँखों से देख रखा था और वे अपने आप को उस कंडीशन में नहीं देखना चाहते थे। इसलिए हजदेव अरण के लोग शुरू से ही इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोयला खनन का कड़ा विरोध करते थे और इसी के परिणाम स्वरूप स्थानीय निवासियों ने हजदेव अरण बचाव संघर्ष समिति का गठन किया, जो विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक समुदाय संचालित आंदोलन है, जो हजदेव अरण के पारिस्थितिक तंत्र को कोयला खनन के दुष्प्रभावों से बचाने और संरक्षित करने के लिए है। हजदेव अरण बचाव संघर्ष समिति स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने और प्रभावी स्थानीय रणनीति विकसित करने के लिए मंथली मीटिंग भी आयोजित करती है। इस समिति के द्वारा कोयला खनन के दुष्परिणामों पर गांवों में जागरूकता अभियान यात्राओं का आयोजन भी किया गया। जब सबसे पहली बार इस रीजन में कोल ब्लॉक बने तो पास के बेसन गाँव में पुनर्वास की योजना बनाई गई। बेसन गाँव अपने आप में कोयला आधारित क्षेत्र है और इसके आसपास कोयला ब्लॉक में माइनिंग स्टार्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को बार बार विस्थापित करना होता। इस आंदोलन ने परसा और केते गांव के लोगों के उचित राहत और पुनर्वास पैकेज को साकार करने में संघर्ष किया। बड़ी चुनौती यह थी कि समुदाय को उनके अधिकारों के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। जन अभिव्यक्ति जो कि एनजीओ है, जो छत्तीसगढ़ में एफआरए इम्प्लीमेंटेशन और एनवायरमेंटल जस्टिस इशू में काम करते हैं, की मदद से समिति ने कई प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की। पेशा एनवायरमेंटल जस्टिस, लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय शासन की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को बुलाकर समिति ने विभिन्न संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर कई प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की। घरों के दीवारों में स्लोगन्स लिखकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। कुछ नारे इस प्रकार से थे, वनों के मालिक हम, हमसे वन, वन से हम, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। इस तरह के नारे पेशा और FRA प्रावधानों की व्याख्या से लिए गए थे, ताकि लोगों को आसान भाषा में पेशा और FRA समझाया जा सके। प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों ने समुदाय को उनके हितों और शक्तियों के बारे में बताया। हालांकि खनन के प्रतिरोध के लिए स्थानीय स्तर के अलावा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर पहुंचाने की आवश्यकता थी। इसके लिए 2 प्रमुख चुनौतियां बनी रहीं। पहला, राज्य की राजधानी रायपुर और देश की राजधानी दिल्ली इस रीजन से बहुत दूर है। इसका मतलब था कि किसी भी स्थानीय विरोध प्रदर्शन के लिए मीडिया या
पॉलिसी मेकर्स का ध्यान आकर्षित करना और बनाए रखना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उस समय सोशल मीडिया में लोग इतने एक्टिव ही नहीं थे। आज के समय में जैसे कोई बात फैलती है सन 2014-2015 में, वैसा नहीं था। दूसरी चुनौती यह थी कि रायपुर या दिल्ली में लगातार बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए बहुत उच्च लागत लगती। विशेष रूप से यह रीजन कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, जिसके कारण ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर पाना पॉसिबल नहीं था। समिति छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से भी जुड़े। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन मुख्यतः छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह के मुद्दों पर काम करके पीपल मूवमेंट में सहयोग देता है। लगभग 10 साल पहले से ही छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे। बड़े संगठनों और एक्टिविस्ट के साथ मिलकर समिति ने हसदेव आंदोलन को धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया। कई बार अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। अक्टूबर 2021 में एक विशाल पदयात्रा हुई, जिसके अंतर्गत आदिवासी लोग लगभग 300 किलोमीटर चलकर राजधानी रायपुर पहुंचे। इस पदयात्रा को बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिला। अप्रैल 2022 में परसा कोल ब्लॉक में माइनिंग को हरी झंडी मिलते ही आंदोलन बहुत तेज हो गया। आंदोलन की आग जंगलों से निकलकर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में पहुंची। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में आंदोलन हुए। बिलासपुर में मानव श्रृंखला बनाकर माइनिंग के फैसलों का विरोध किया गया। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे करके बात दिल्ली तक पहुंची और उसके बाद विदेशों में प्रोटेस्ट हुआ। छत्तीसगढ़ के कई फेमस यूट्यूबर और यूट्यूब चैनल जैसे अमलेश नागेश, एपी राजा, एडीएम शो, ओपी देवांगन आदि ने हसदेव बचावाओ को लेकर गाने और स्टोरीज बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम नरेश भी माइनिंग की परमिशन का कड़ी निंदा करते हैं। आइए आपको मैं हसदेव फॉरेस्ट के बचाव के लिए किए गए कुछ प्रोटेस्ट के क्लिप्स दिखाता हूं, जो देश और दुनिया में किए गए। हसदेव अरण्य क्षेत्र में भारत के कुल कोयला आधारित क्षेत्र का लगभग 12% हिस्सा है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि लगभग 90% कोल ब्लॉक नो गो जोन में नहीं है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि अगर हसदेव में कोल माइनिंग को रोक भी दिया जाए तो देश में ऊर्जा की संकट नहीं होगी। कुछ अनुमानों के अनुसार बाकी के बचे 90% एरिया से अगर कोयला निकाला जाए तो लगभग 60 वर्षों के लिए देश में कोयले की मांग पूरी हो सकती है। तो क्यों सरकार उन ऑप्शन को छोड़कर हसदेव रीजन के पीछे पड़ी हुई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने की आवश्यकता है। क्या हसदेव जैसे जंगल का विनाश आवश्यक है? क्या दूसरे किसी तरीके से बिजली की मांग पूरी नहीं की जा सकती? आखिर कब तक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का विनाश करता रहेगा? आखिर कब तक हसदेव अरण्य रीजन के लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा? जिस प्रकार की स्थिति है उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनका संघर्ष अभी और कई वर्षों तक चलने वाला है। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप हसदेव अरण्य आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ें और लोगों को जागरूक करें। आशा करता हूँ
आप भी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए हसदेव बचाओ आंदोलन की लहर को देश के कोने कोने में फैलाने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो के साथ इस सीरीज को खत्म करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।